इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। यहाँ पर एहतजाज जारी है ऑल इंडिया वेजिटेबल फेडरेशन की जानिब से कि जो हुकूमत की जानिब से स्कूलों में बच्चों को अंडे देने का जो एक मंजूर किया है, फैसला लिया है हुकूमत ने, रियासती हुकूमत ने, उसके खिलाफ एहतजाज है और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह के फैसले लिए गए तो कभी मुल्क जो है विश्वगुरु नहीं बन सकता, लिहाजा इनके जिम्मेदारान हैं और वो बहुत गुस्से में हैं नरेंद्र मोदी हुकूमत और साथ में बसवराज बोम्मई की। कर्नाटक सरकार एक बहुत बड़ा गलत योजना जारी किया है। उन्होंने सोचा हम जो करेंगे वही होगा, अपन मनमानी से सरकार नहीं चलती है। तुरंत ये है, कर्नाटक में मेजॉरिटी है लिंगायत धर्म के लोग, लगभग 3 करोड़ लोगों के ऊपर हम हैं, और दूसरा जैन समाज है, जैन धर्म के लोग है, ब्राह्मण समाज है, इस्कान है, आदिवासी कम्युनिटी, ये सब लोगों का वोट से ही अभी उनका सत्ता बना हुआ है। उन्होंने सोचा होगा अंडा देने से, अंडा खिलाने से बहुत वोट मिल जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला है। हमने सोच करके भाजपा सरकार को सपोर्ट दिया था कि ये लोग कूड़ा अच्छा काम करेगा, पर तमाशा ये हो रहा है जब 2 बार कर्नाटक के अंदर इतना हलचल मचा हुआ अंडा के मामले में, फिर ये अंडा के पीछे ये सरकार क्यों पड़ा। तीसरी बात कि ये खुद भाजपा की सरकार है, उसी समय बीजेपी ने हमारा मदद किया, बंद करवाया, पर जो फुल मेजॉरिटी है बसवराज बोम्मई की सरकार, बिना सोचे एकदम अंडा खिलाने के चालू ही कर दिया दिसंबर 1 तारीख से। सो और मजाक ये है, पहले बीजेपी सरकार इसको प्रस्ताव भी नहीं लाना था, और दूसरा बात कोई कर्नाटक में आंदोलन नहीं किया था कि हम अंडा चाहिए, किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं पूछा, फिर जबरदस्त उन्होंने अंडा देने का शुरू करवाया। माननीय बसवराज बोम्मई जी, भारतीय जनता पक्ष की सरकार के नेतागण और पार्टी के नेतागण, आप लोग हमको धोखा कर रहे हैं, हमारे से वोट भी लिया और नोट भी लिया, सत्ता में आकर के हमका रक्षा ना करते हुए हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, और हजारों सालों के हम संप्रदाय को, धर्म के ऊपर मार्क आपने क्या आघात किया है। इसलिए आज अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, हमने हाथ से निवेदन किया था, अभी निवेदन की बात नहीं होगा। आज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अंडा को तुरंत बंद कीजिए। अगर आप अंडा भी नहीं बंद कराएंगे, अंडा के बदले सरकार भी नहीं दे देंगे, आपका अंडा ही खिलाना आपका संकल्प है, करो खूब, करो खूब खिलाओ। परंतु हम शाकाहारी समाज, हमसे निवेदन करते शाकाहारी समाज के लाखों बच्चों के लिए अलग शाकाहारी स्कूल और आंगनवाड़ी खोलो। वी वांट सेपरेट वेजिटेरियन स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज, वी डोंट वांट सेंड अवर बच्चे चिल्ड्रन टू वेक सप्लाई स्कूल्स, ये निम्न ने एक बात है। दूसरा बात है, सपोज अंडा भी नहीं बंद कराएंगे, हमारे लिए शाकाहारी स्कूल भी नहीं खोलेंगे, हमको अंडा ही खिला के हमको हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा धर्म के अंदर तुम हाथ लगाए हैं, धर्म केवल पौष्टिक की बात नहीं है, न्यूट्रिशन की बात नहीं है, हमारे धर्म संस्कृति की बात है, हमारे भावना की बात है, हमारे हजारों सालों की श्रद्धा की बात है। हम भाजपा सरकार से चेतावनी देते हैं, यह लंगायत ब्राह्मण शाकाहारी लोगों से आपने वोट लेकर के जीता है ना, वही लोगों ने तुमको हरा देगा और दक्षिण भारत से भाजपा को निर्नाम करेगा, एक भी सरकार नहीं आएगा भाजपा का, ये चैलेंज है। हम बार बार बताते हैं, धर्म का जो मठपीठाधिपति चला रहे धार्मिक लोग चले, वहाँ भी अंडा खिलाना कितना घोर अन्याय है, जो संतों के द्वारा मठपीठाधिपतियों के स्थान में धार्मिक स्थानों में संतों के हाथ से अंडा खिलाने की जो सरकार ने विवशता बना रहे हैं, हम कभी सहन नहीं करेंगे। आज ना कल, कल ना परसों, इस भारतीय जनता पक्ष केवल कर्नाटक में ही नहीं सेंट्रल को भी बहुत बड़ा मार खाएगा। नरेंद्र मोदी जी,
थोड़ा इस तरह ध्यान दीजिए, कर्नाटक में जो मोनोपोली चल रहे हैं आप चुपचाप देखते रहेंगे, बाद में आपको भी तकलीफ होगा। हमारे शिष्य और शाकाहारी धर्म के ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, आप एक तरफ जाते हो राम जन्मी को बचाने के लिए जाते हो, दूसरा उधर जाते हो हमारा हिंदू संस्कृति बचाना। अरे आप अभी वो तो घर 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 आप लोगों ने हमको मार खाने आ रहे, हमारे घर तक आपने घुस गए हैं, इसलिए हम कभी सहन नहीं करेंगे। आप जागिए, हम सरकार को निवेदन करते जल्दी से जल्दी अंडा मुक्त स्कूल और आंगनवाड़ी बनाइए। अपने बच्चों को अंडा देने से, अंडा क्या शाकाहारी नहीं है मांसाहारी है, अंडा पैदा कैसे करते हैं? पोल्ट्री फार्म में इंजेक्शन देके उसको जो पैदा होता है उसमें कितनी बीमारियाँ होती है, DDT बीमारी है, DDT जहर आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे बच्चों को अगर जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा और वो क्रूरलिटी आ जाएगी, क्रूरता आ जाएगी उनके अंदर, वो बड़े होकर टेररिस्ट बन जाएंगे। तो ये सरकार क्या चाहती है कि आगे जाके हमारे बच्चे सब आतंकवादी बने? बसवराज बोम्मई तो कर रहा है, तो वही तो हम उसका विरोध कर रहे हैं ना, उनके बच्चे तो अंडे नहीं खाते हैं, वो तो सरकार दूसरे बच्चों को आतंकवादी बनाना है क्या उनको, और इस तरह से आतंकवादी पैदा करना है क्या देश में, इस तरह का काम कर रहे हैं? अगर बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाने के लिए स्कूल खोला है कि मांस वो अंडा पकाना, अंडा तोड़ना, उसको गर्म करना, उसको ये करना, ये टीचर का काम है कि पढ़ाने का काम है? स्कूल में पढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि ये काम करने के लिए कर रहे हैं? वो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, मास्टर लोग ही उसको सफाई करेंगे, वही उसका ये करेंगे, सारा दिन वही काम करेंगे, अंडा को तोड़ेंगे, उबालेंगे, वो सब काम मास्टर लोग करना है। जब बसवराज बोम्मई सरकार ये फैसला ली है कि स्कूलों में अंडा देना, तो नरेंद्र मोदी सरकार इसको क्यों नहीं रोकी? तो घर पूछ के ही लिया होगा। हम तो कहते हैं कि बोम्मई सरकार को निकाल दो, येडियुरप्पा सरकार को वापस लाओ, क्यों येडियुरप्पा ने 2007 में बंद करवाया था। अच्छा। कैसा काम कर रहे हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं, खुद भी तो बसव धर्म से है। नहीं, वो धर्म में समझते होते ना, वो तो खुद ही मट्टा खाते है, हाँ, तो वो तो समझते ही नहीं है ना, खाली नाम के लिए है वो तो। भोजन का पर्पस क्या है भगवान बोलते हैं, अब भगवान से बढ़कर नियम किन से सुना जाए, वैज्ञान से सुना जाए, लोगों से सुना जाए? भगवान जानते हैं कि नियम क्या है, और भगवान के नियम ही समाज के लिए, स्वावलंबी के लिए दृष्टि है। और स्वयं मोदी जी ने दुनिया भर में भी गीता बांटते हैं, भारतीय संस्कृति को दुनिया को सिखलाना चाहते हैं। यदि इस तरह से भारत में होगा तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं? और कोई मुख्यमंत्री कोई निर्णय ले लेते हैं तो हो सकता है मुख्यमंत्री को सरकार से धन आया हो या अंडे बेचने वालों ने पैसा दिया हो, इससे सारे लोगों को क्यों बलि दे रहे हो? कोई अंडे बेचने वाला या मंत्री ने निर्णय लेना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति मोदी जी जाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में यही तो सिखलाना चाहते हैं भारतीय संस्कृति को। आपको नहीं लगता कि ये जो नेता लोग हैं करते कुछ हैं और करते कुछ? हाँ, इसीलिए तो हम विरोध कर रहे हैं। अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो नहीं जाओ, तो हम अपना विरोध करते रहेंगे, तो इसलिए हम सरकार से विनती करते हैं और इसको विरोध करते हैं कि इसको वापस लें। अभी आपने देखा कि किस तरह से यानी कि वेजिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, शाकाहारी जिसे कहा जाता है, उनका एतराज़ है कि स्कूल में जिस तरह से अंडे दिए जा रहे हैं, ये अंडे उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, इनकी उनके मजहब को पामाल कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा, सख्त नाराज़गी भी देखी जा रही है, और उन्होंने बसवराज बोम्मई और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ भी उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा कि आप राम मंदिर को बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन यहाँ पर तो घरों में अपने धर्म को भ्रष्ट करने का काम यह भाजपा हुकूमत कर रही है, लिहाजा अगर ये अंडे खिलाने का जो बच्चों को फैसला लिया गया है हुकूमत की जानिब से, अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और हुकूमत को गिराकर ही दम लेंगे, ऐसा इन्होंने चुनौती नरेंद्र मोदी सरकार के साथ यहाँ के बसवराज बोम्मई सरकार को भी दी है। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।